నోటిఫికేషన్ రావాలంటే ఏం చేయాలి బ్రో? గంట కొట్టాలి బ్రో. కొట్టండి. నమస్కార్. సోషల్ పోస్ట్ మే ఆప్ సబ్కా మే సుధీర్ మహావాది అభివాదన్ కర్తా హూ. ఆజ్ హమారే సాథ్ హే భారత్ కే జానే మానే ఆల్రౌండర్ లెజెండరీ క్రికెటర్ సయ్యద్ అబీద్ అలీ సాహబ్. ఇన్కే బారే మే హమ్ క్యా బతాయే. ఏక్ ఐసా దౌర్ థా, ఏక్ ఐసా జమానా థా, అబీద్ అలీ సాహబ్ కే బౌలింగ్ ఔర్ బ్యాటింగ్ కే బదౌలత్ భారత్ నే కహీ మ్యాచెస్ జీతే థే అండ్ హీ మేడ్ అన్ ఇండిలిబుల్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ ద క్రికెట్ లవర్స్ ఇన్ లేట్ 60s టిల్ ఏ రిటైర్డ్ ఇన్ 1974-75. It's a privilege to have you with us. Thank you very much. It's an honor. It's an honor being with you. Sir, aapke bare mein to bachpan se hum sunte aaye hain sir. Actually, jab se main reporter bana, khas karke, you know, agar Kapil Dev se pehle agar koi all-rounder ki agar baat ki jati India mein, so Abid Ali sahab ki baat ki jati. How does it feel? Obviously, I'll feel very good. But kuch zyada hi mere bare mein aap itni tareef kar rahe hain. Main itna qabil nahi hoon जो आप कपिल से मुझे मिला रहे. कपिल बहुत बहुत बढ़िया क्रिकेटर था. मतलब कपिल देव से पहले अगर ऑलराउंडर्स की बात की जाती तो सब आप ही मतलब ज्यादा मतलब पीपल ओनली वुड टॉक अबाउट अबीद अली. दे वर अदर ऑलराउंडर्स टू बट नॉट टू द लेवल ऑफ कपिल देव एंड ऑल दैट. सर आपकी करियर जो है जब इंटरनेशनल की बात अगर हम करें, सी वेरी फ्यू पीपल नो दैट यू नो पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट द Oval test match where you came after Vishwanath got out, hit that boundary to see India, you know, win that historic test match. Lekin usse pehle bhi jab Bharat ne jab history banaya tha, itihas rachaya tha West Indies mein, us samay aap non-striking end pe the. Sunil Gavaskar ne wo victory pura kiya tha. Lekin 68 mein jab Bharat New Zealand ka daura kiya tha, us samay फर्स्ट टेस्ट मैच में हमने विजय हासिल किए थे एंड यू बोल्ड फैंटास्टिकली. ऑफकोर्स वडेकर स्कोर्ड इज फर्स्ट सेंचुरी इन दैट सीरीज एंड बापूनाथ करनी वॉज फैंटास्टिक विद इज ऑलराउंड. वो तीन टेस्ट मैचेस में आपको कौन सा मतलब ज्यादा दिल को अगर छूने वाली अगर टेस्ट मैच अगर आप दिल को छीने वाली बात बोले तो मैं समझता हूँ सारे जितने भी टेस्ट मैचेस में खेला मैं अपनी कंट्री के लिए खेला. हमेशा यही फील करा के it doesn't matter who's captaining, who's not captaining, Patawdy is, Ajit Wadekar ho ya koi bhi ho, ke bas tum khel rahe ho to apni country ke liye khelo aur jaisa khelte ho hamesha waisi khelo. Ye hamesha se mere dimag mein rehta tha. Magar koi aise cheezan bhi acche hue jisse hum kafi fayda uthaye. Sir, you know, you very few people know that when Gavaskar made his debut, actually you were at the non-striker and as an opener also, I think. और उससे पहले आपने जो है फरूक इंजीनियर के साथ भी जो है ओपनिंग किए थे न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में भी. एक्चुअली जब आपकी शुरुआत रही, आपकी शुरुआत की टेस्ट मैच के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे बिकॉज एवरीबडी नोज दैट यू नो यू पिक्ड 5 विकेट्स इन दैट टेस्ट मैच. लेकिन उसके बाद मतलब ऐसा क्यों हुआ था, मतलब आपको डाउन द ऑर्डर खेलना पड़ा था एक्चुअली बिकॉज यू नो स्टार्टिंग योर करियर एज एन ओपनर एंड इट्स ए रेयर अपॉर्चुनिटी. एक तरफ से बॉलिंग करना, एक तरफ से बैटिंग करना, मतलब एक रेयर अपॉर्चुनिटी होता है. उसके बाद हुआ क्या था कि आपको डाउन द ऑर्डर खेलना पड़ा था बाद में? ये मैं समझता हूँ मेरी यूटिलिटी जो थी, जो हर फील्ड में मैं कुछ ना कुछ करता था, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, समटाइम्स कीपिंग भी करता था. मुझे भी कराए थे एक बार कीपिंग बॉम्बे में, फरूक जब इंजर्ड हो गया था. मुझे अच्छी तरह याद है पहला बॉल बिशन का मैं फेस कर रहा हूँ एज ए विकेट कीपर, कैच छोड़ा मैं. वो अच्छी तरह मुझे याद है. मगर हुआ ये कि जब भी मुझे मैं स्कोर नहीं करता था एज एन ओपनर, हमेशा मुझे कोशिश करते थे कि नीचे भी जाएं. मगर मैं समझता हूँ जितनी भी मेरे नज़दीक मेरी फीलिंग ये थी हमेशा कि एज एन ओपनर मैं हमेशा स्कोर करा. अगर मेरा स्कोर कार्ड देखेंगे तो एज एन ओपनर मेरे ज़्यादा रन्स बने, बहुत कम बने जो नीचे जाके करने से खेलने से. वो मतलब गवास्कर के आने से एक मजबूत यू नो आप तो ऑलराउंडर के रूप में थे टीम में, गवास्कर के आने से एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज मिल गया था और जयंती लाल को भी यू नो हटना पड़ा था, वो भी एक रीजन था कि मतलब यू नो आपको लोअर ऑर्डर खेलना पड़ा बिकॉज गवास्कर और फरूक इंजीनियर की जोड़ी भी जम गई थी एक्चुअली ओपनिंग पे, वो भी एक वजह. सही है, सही है, बिल्कुल. उसी की वजह से मुझे पटाउडी और अजीत वाडेकर कभी मुझे नीचे, कभी कभी मैं
एज ए नाइट वॉचमैन भी जाता था. तो दे यूज टू थिंक दैट आई एम अ यूटिलिटी मैन, दिस फेलो कैन डू एनीथिंग एनीवेयर, सो लेट्स टेक अ चांस विद हिम एंड डू इट. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वेन एवर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्लेइंग आई डिड वॉट आई कुड डू बेस्ट. सर जब ऑलराउंडर्स की बात की जाती है तो बैट्समैन होता है ऑलराउंडर और बॉलिंग करता है फील्डिंग करता है, जैसे हमेशा हम कपिल देव के बारे में बात करते हैं, जैसे आपने भी बात बोली जी. लेकिन आप में एक और एबिलिटी कुछ और ही था, बहुत कम लोगों में होते हैं. आप विकेट के पीछे भी जो है धोनी की तरह विकेट कीपिंग करते थे, किरमानी और फारूक इंजीनियर की तरह. ये मतलब यू इज इट बिकॉज ऑफ यू नो यू स्टार्टेड योर करियर एज अ विकेट कीपर? आई स्टार्टेड माय करियर एज अ विकेट कीपर. आई यूज्ड टू कीप विकेट इन स्कूल ऑल सिंस हाई स्कूल एंड आई केप्ट विकेट फॉर डेक्कन ब्लूज ऑल्सो वन और टू मैचेस एंड आई केप्ट विकेट फॉर मिस्टर गुलाम अहमद टू. बट आई टेल यू इट वॉज सो डिफिकल्ट टू कीप विकेट्स. कपल ऑफ बॉल्स आई गेव हिम फोर बाइस. I couldn't got hold of that spin so fast that I couldn't do it. Anyway, I kept wicket for Hyderabad also quite some time. Whenever they needed me to be keeping wicket for Hyderabad, I did. I did some stumping also, took some catches also behind the stumps. But there was very good wicket keeper Venkatesh who came in and then I started bowling. They used to give me bowling in the nets. I was never a bowler. They used to give me bowling in the nets for bigger batsmen to bat, Jaisimha batting, Abbas batting, Habib Ahmed batting, you know, batsmen to bowl. So somehow I used to beat them all the time. I used to bowl in cutters, out cutters, in swing, out swing, and Jaisimha thought that this man can bowl a new ball. So one day he gave me in a Ranji Trophy one ball. First over I got a wicket, second over I got a wicket. Then since then I started bowling for Hyderabad as a new ball bowler. And I opened for Hyderabad too as a batsman. So that means recognizing your talent and the credit definitely should go to Jaisimha in the beginning. No doubt about it. Yeah. There were some people, you see, how I came into Ranji Trophy cricket was something very, very difficult. A lot of people didn't think that I would play immediately after my schools were over. I was 12th man for 3 matches for Hyderabad. The reason I was 12th man, I was a very good fielder. I would save some runs, take some catches, run people out. I had a very good throw also. So with that, it so happened that last game against Andhra, when C.S. Naidu, Mr. C.K. Naidu's younger brother was captaining Andhra team, there were some boys who were playing university. They had to go and play finals in Bombay. In Pune against Bombay. So we were sitting in the selection committee, the people were sitting, Mr. Anu Abbasi, at that time he was a secretary, he is a coordinator of selection committee, he was sitting and watching all this. Suddenly I believe he said, okay, why are you looking for players here and there when you have one boy who can feel well, he can run people out, he can take catches, he can bat also. If he makes 35 runs and stop 20 odd runs, he's 50 on the board. Absolutely. So why not you take this boy and play? Since then, I played all the matches for 22 years for Hyderabad. So the modern world definitely missing player like Abid Ali, I think. Yeah. There are many people right now, sir. Sir, when, yes, you of course made your first class debut, as you said, against Andhra. But your test entry was all of a sudden, I think, because Pat, I think, you know, the junior, he didn't tour Australia and you had to go there. And straight away, you know, you proved your mettle, picking 6 wickets in the first innings. And what a lineup it was, Australia. Billari, Bob Simpson was there, Corey. Of course, Ian Chappell was there, but I don't think you got his wicket in the off-spinner, I got it. Yeah. German wicket-keeper, I got it. Just, you know, something about that memorable test entry of yours. I remember when I took Bobby Simpson's catch. Even now, my eyes are numb ho gaye mere. Aankhon mein aansu aate. Wajah ye thi uski ki main meri maa ko bahut yaad karta tha. Yeah, jab ab emotional ho hi rahe hain, absolutely. Yeah. Wo kafi encourage karti thi. Sir. Mere walid nahi chahte the ki main cricket khelun, waste of time. He went to England and he thought that cricket is a big waste of time because
यू प्ले फॉर थ्री डेज फोर डेज फोर डेज इट्स लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम स्टडी करो. मगर मेरी माँ मेरे को खामोशी से इनक्रेज करती थी तो वो मुझे याद आ गए थे. उसके बाद मैं सेकेंड ओवर में बिल लॉरी की लिया. फिर थोड़ी देर के बाद मैं आई थिंक ऑफ स्पिनर खेल रहा था, क्या नाम था मालूम, ही वॉज अ बैट्समैन टू मैलेट. No, he wasn't. Yeah, no. McKenzie was there in that test match, of course. McKenzie था, yeah. Gleeson था. Gleeson. और Gleeson. Colony some. Colony. Colony. Yeah. The same, I think, toured in 69 also India. Yes. After that, yes. Yes. So, I can't forget those days. Those six wickets I got, 6 for 55. That was something. I think I achieved the first Indian cricketer to take six wickets. Absolutely. Five was by. V.B. Kumar, I think Mohammad Nisar bhi 5 liye the first test mein. Nahi, 6 wicket koi nahi liya tha. Magar ek England ka bowler tha, jo Australia mein bas gaya tha, Adelaide mein bas gaya tha. Wo nets mein aake bowling karta tha kabhi kabhi. To Patowdi mere paas aake bole, ke tum jante ye kaun hai? Main bola nahi. Main bola ye tumhara, tum iska record equal kare. England ko ye pehla test match 6 wicket liya tha. Forgetting his name. बट तो जब मुझे मालूम हुआ कि ये क्रिकेटर कौन है तो मुझे ऑब्वियसली आई फील वेरी प्राउड एंड हैप्पी. एंड यू स्कोर सम रन्स एज वेल इन दैट. आई गॉट रन्स. आई शुड हैव मेड मोर रन्स देयर. 33 किया दो इनिंग्स में. बोथ इनिंग्स में. सो हाउ मेमोरेबल, आई मीन स्टिल यू रिलिश दैट इवन टुडे. मैं हर मैच में वहाँ ऑस्ट्रेलिया में 12th मैन रहता था. मगर एक मैच में मुझे मौका मिला हॉबार्ट में खेलने अगेंस्ट हॉबार्ट टीम से. तो मुझे वहाँ हवा बहुत चलती है तो मुझे अगेंस्ट द विंड बॉलिंग मिली. रमाकांत देसाई को विद द विंड मिली थी, मेरे को इधर अगेंस्ट द विंड मिली थी. तो मेरे को विंड मेरे को बड़ी मदद करी थी. तो आई केप्ट ऑन बॉलिंग. आई गॉट 3 or 4 विकेट्स इन दैट मैच एंड आई फील्डेड वेरी वेल. आई गॉट सम रन्स ऑल्सो. तो मुझे याद है सिलेक्शन हो रहा था तो जब हमारे असिस्टेंट मैनेजर बोस थे, वो कलकत्ता के प्रेसिडेंट भी थे और बीसीसीआई के भी प्रेसिडेंट बने उन्होंने, कौन से बाबू बोस थे कुछ, एनीवे तो वो सिलेक्शन कमेटी में बैठ के देख रहे थे. हो रहा था तो वहाँ पे भी ऐसे डिस्कशन हो रहा था. उन्होंने वहाँ उठ के बोले कि आबिद को क्यों नहीं खिलाते, फील्डिंग अच्छी करता, बॉलिंग अच्छी करता, बैटिंग अच्छी करता, खिलाओ इसको. तो मुझे बॉलिंग मिली नहीं, नया बॉल मिले ही नहीं. उमेश कुलकर्णी करा और कर रहे थे एक एंड रमाकांत देसाई, फिर रूसी सुरती करने लगे. तो मुझे तो नहीं मिली. लंच के बाद मुझे पहला ओवर मिला. पहला ओवर में पहली विकेट बॉबी सिम्पसन की कॉटन बोर्ड लिया मैं. फिर दूसरे ओवर में बिल लॉरी की विकेट लिया. बाका जाके 6 विकेट मिले मेरे को. तो मेरे खेलने के भी अजीब वो थे, आप बोले नहीं एकदम के कैसा आपको मौका मिला. मैं हैदराबाद को खेलते वक्त इसी किस्म की मेरी मदद मिली. नू अब्बासी कुछ बोले मेरे लिए, मैं खेला. फिर वैसी बोस उसी किस्म से कुछ ऐसी बात करे कि मुझे ये लोगों को खिलाना पड़ा तो मैं खेला. बट वी ऑल्सो हर्ड, आई थिंक यू नो यू वर अंडरबोल्ड इन हैदराबाद ऑल्सो बिफोर यू मेड योर टेस्ट डेब्यू, क्योंकि ज़्यादा आप बॉलिंग नहीं की थी लेकिन वहाँ जाके एकदम मतलब ऑस्ट्रेलिया में आप यू नो फर्स्ट क्लास, एक जो आपके पास जो एबिलिटी था वो आपने दिखाया. नहीं, हबीब खान खेलते थे उस ज़माने में, जयसिम्हा खेलते थे उस ज़माने में. तो ये जब दो रहते थे तो बड़ा मुश्किल ना था. वन डाउन कभी लेट पुराना बॉल हो गया तो देते थे. अब मेरी बॉलिंग में उस वक्त कुछ ऐसी चीज़ थी कि कुछ कटर्स लग जाते थे तो सीम को यूज़ करता था मैं. तो सीम को यूज़ करने में ड्राई से ड्राई विकेट में भी अक्सर बॉल कट होते चले आता तो उसमें एक दो विकेट मुझे मिल जाते थे. फिर एक बार मोइनुद्दौला में जय मुझे बोले कि नया बॉल करो आप, अगेंस्ट ACC खेल रहे थे. तो मैं उस वक्त 4 विकेटा ले लिया था, फर्स्ट 4 ओवर में 4 विकेटा लिया था. उसके बाद में मुझे रेगुलर नया बॉल मिलने लगा. सर आपने अभी सिम्पसन और बिल्लारी की बात की, कौरी को भी आपने यू नो आउट दो बार किया था फर्स्ट टेस्ट मैच में. But I think India on the losing side was a bit of big disappointment for you on your debut. We were feeling very badly. Our fielding was so bad on the field that
We lost in 3 days, if you remember that, 3 or 4th morning. Patawdy was so annoyed, angry, he said, okay, let's go and do some fielding. So, they 3 ghante fielding karai match, test match ke baad, sabko. Aur usme, see, on that tour, there were a lot of old cricketers going on that tour. And I personally felt when I was playing, that those boys who were already gone, Ramakant Desai was almost at the edge. If you remember Kailash Ghatani from Rajasthan, yes. If you remember Subrata Guha from Calcutta, these two bowlers were brilliant, but never got opportunity to go. They should have gone. There was another wicket keeper, you know, Buddhi Kundram. From Karnataka, South, he was a South Indian, yeah. Was a brilliant wicket keeper and a good open bat. He didn't go. Hanuman Singh didn't go because some of these medical tests, they used to be as per the president's, lot of times. My story will come back later on this. So this man, these people didn't go. And some people who shouldn't have gone, they went. And that is one of the, if you remember Subramaniam, and there one very good batsman from Delhi who used to play for Delhi and got a lot of runs. I think he is from Jamshedpur. He also missed. Saxena. Kya naam tha uska? Ramesh Saxena. Ramesh Saxena. Brilliant bat. Fail hua ek match mein nikal diye usko. To ye kuch had tak aise cheezan hote the. कि आप सोच भी नहीं सकते। There are some things which I always thought that Bombay cricketers never wanted other cricketers to get in. That lobbying was there, and the lobby was between 2 states, basically Bombay and Madras. They used to lobby a lot against with each other, and they used to control board of control. Chidambaram was there. Sriram was there, and there are some other people also, you know, who used to control board. But as a youngster, I didn't care about it. But jaisa mujhe chance mila, main khelta tha. Mujhe parwa bhi nahi thi, kaun the, kya the. Jao apni cricket khelo, aur hamesha ye bachchon ko bhi main yehi bolta hoon. Tumhare mein talent hai, talent ko use karo, aur chitta usse khul ke khelo. डर के मत खेलो जहां तुम डर के खेलेंगे तो तुम नहीं कर सकेंगे कुछ भी सर उसके बाद आ जाते हैं आपके इमीडिएटली वेस्ट इंडीज यू नो बट कैप्टन वाज डिफरेंट हियर अजीत वाडेकर के कैप्टनशिप में वेस्ट इंडीज गए थे वहां पे भी इतिहास रचाया इंडिया ने बट सभी लोगों को ये बात मालूम है जो क्रिकेट लवर्स हैं कि गावस्कर ने जब फर्स्ट टेस्ट मैच खेला है और नॉन स्टैंकिंग एंड पे आप गावस्कर के साथ एज एन ओपनर थे Because Jayanti Lal, I think he wasn't there in that test match. Aur wo kshan, because you know, ek aisa cricketer mila uske baad, you know, India ko Gavaskar. Aur aaj bhi jo hai, kya bataye unke baare mein? Jab bhi unke baare mein hum baat karte hain, to you know better because you know, you watched him from 22 yards, I think. Saab, wo bachche ki technique itni achhi thi. Awesome. Bahut achhi technique thi. Ye ladka kisi ke khilaaf bhi khel sakta tha. Koi bhi bowler, koi bhi fast bowler. Aur usko khauf nahi tha. That's because of his guts or what? Guts, technique. His technique was very good and determination was good. His focus was very good. He had focus of making runs and that's what he kept on doing it. A lot of other cricketers didn't have that much of focus. I mean, I'll include myself also. Watching him, then I learned how to focus and make runs. Focusing is very important. You got to play ball by ball. Ball by ball, each ball. Ek baat puchta hu main aapse ke over mein aap 6 chakke maar sakte hain? Nahi. Ek hi aadmi mara. Sir Ghafil se bas. Lamba rehta hai bilkul. 4 run chauke maar sakte 6 ball? No. Magar kitne ball hai aapke paas? 6 ball hai. Ek run to le sakte na?
छह रन तो बराबर ले सकते हैं आप, पुश करके लाऊंगा बिल्कुल, उससे क्या होता, स्ट्राइक रोटेट होता है और एक एक की मतलब हिम्मत बढ़ जाती है और तालमेल बन जाता है एक्चुअली। मैं एक बात बोलता हूँ जो अक्सर लोगों को नहीं मालूम है, जब भी आप गुड लेंथ बॉल को एक रन लेते मिडिल में करके, एक अजीब किस्म की फीलिंग आपके दिल में आती, आपकी हिम्मत बढ़ जाती है, हिम्मत बढ़ती। अगर हमारे फ्यूचर क्रिकेटर्स इस किस्म की थिंकिंग करें, रन ठहरने की, सी गावस्कर में सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या थी, वह विकेट पे ठहरता था। यू डोंट स्टे एट द विकेट, यू वोंट मेक रन्स, वेरी सिंपल। क्रिकेट इज अ वेरी सिंपल गेम, यू गॉट टू स्टे एट द विकेट टू मेक रन्स, एंड दैट्स वॉट गावस्कर डिड, एंड ऑब्वियसली nowadays these cricketers are doing, but हमारे ज़माने में हम जब खेलते थे हमें ऐसी चीज़ें मिले नहीं जैसा coaches मिल गए, bowling coach है, batting coach है, fielding coach है, आपको आपके आपके physiotherapist है, doctor है, mental वो बताने वाला है, sports बिल्कुल, तो ये पूरे psychiatrist sports psychiatrist है जितने भी हैं अब ये ज़माने में नीलों को मिल रहे हैं। हमारे जमाने में तो कुछ मिलता ही नहीं था बिचारों को, पैसा भी सर कितना 250 आई थिंक, कुछ भी नहीं मिलते थे साहब। व्हाट वाज योर फर्स्ट आई थिंक इफ यू रिमेंबर, आई थिंक व्हेन यू प्ले, आई थिंक इट वाज अबाउट 500, देन बिटवीन 750, देन 74 टेस्ट मैच आई थिंक इट बिकेम 1000 और 2000 रुपीस, दैट्स इट। टूरों पे गाओ जाओ तो आपको $2 पर डे मिलता था, वो भी डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट आपको कमरे में मिल जाता है, लंच आपको फील्ड पे मिल जाता जहाँ भी खेल रहे हैं आप मैच, फिर रात में डिनर के लिए $2 मिलते थे, आप $2 में आप जाओ खाओ पियो कुछ भी। अब आप बताओ, आप देखो माशाल्लाह से ये बच्चों को अल्लाह जिसकी नसीब है उसको देता, ज़रूर देता, मगर मेरी एक और एक एडवाइस ये है कि मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो अब क्रिकेटर्स में मिल रही है इनको पुराने क्रिकेटर्स को भुलना नहीं चाहिए। Absolutely, because you made platform आपने बनाया उन्हें। पुराने क्रिकेटर्स को भुलना नहीं चाहिए और ये लोग बोर्ड से लड़ना चाहिए कि पुराने क्रिकेटर्स को कुछ मिले, अच्छा मिले, ऐसा नहीं। सर वो बात मैं आज अभी जब आपने बोला कि यू नो लॉट ऑफ पीपल से, मैं जब भी मतलब क्रिकेट एक्सपर्ट से बात करता हूँ या क्रिकेटर्स से मिलते रहता हूँ, अबिद अली साहब जो है इज एन अनसंग हीरो इन इंडियन क्रिकेट बोलते हैं, तो आपको भी इस बात का मतलब ये होता होगा, बिकॉज यू नो योर सर्विसेज हैव नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड नाइदर बाय बीसीसीआई। अब यहाँ तेलंगाना गवर्नमेंट सर इतने लोगों को मतलब आगे लेके जा रहे हैं, जब भी मैं सुनता हूँ कोई एक छोटे बॉक्सर को 50 लाख दिया गया, एक छोटे बैडमिंटन प्लेयर को इतना दिया गया, आई थिंक आई गेट यू नो मतलब अबिद अली साहब जैसे लोगों को क्यों भूल रहे थे, तो ये कैसा लगता है सर आपको, बिकॉज यू आर रियली एन अनसंग हीरो। साहब देखिए, अगर आप हैदराबाद की क्रिकेट को देखेंगे तो जितने भी हैदराबाद को इंडिया को खेले बच्चे सबको कुछ मिला है, पैसा नहीं मिला है तो जमीन मिली है। Absolutely. जमीन भी ऐसी जगह पे मिली है जो काफ़ी है लोगों उसको है। मेरे पास तो वो भी नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है जो भी है है। मगर ये चीज़ अब मैं 1983 से ट्राई कर रहा हूँ, आंध्रा गवर्नमेंट से ट्राई कर रहा हूँ, कोई मेरी परवाह नहीं करा, एप्लीकेशन गया यूं डाल दिए, एप्लीकेशन गया यूं डाल दिए, तीन चार बार अप्रोच करा हूँ मैं, चारों बार भी मेरा कुछ मेरी मदद, कोई करा ही नहीं मेरी मदद। अब देखिए कोशिश कर रहा हूँ मैं, अल्लाह करे कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि मुझे कुछ मिल जाए, और मेरा मेरे करने के इरादे क्या हैं, अगर मिला ज़मीन जैसा सानिया मिर्ज़ा को मिल गई, लक्ष्मण को अजीज़ बाग में मिल गई, एकेडमी खोल लिए, मैं भी ऐसी खोलूँगा, और मैं सिर्फ ऐसे बच्चों को कोच करूँगा खुसूसन डिस्ट्रिक्ट के, जो डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को मौका ही नहीं मिला खेलने के लिए, हमारे ज़माने में बड़ी तकलीफ़ होती थी, डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आते कभी कैंप में आते थे देखते थे, उनको मिलता ही नहीं था, बैटिंग नहीं मिलती थी, चले जाते थे, ये चीज़ होती थी साहब। डिस्ट्रिक्ट सिर्फ हैदराबाद के बच्चों को मिलो, सिटी के बच्चों को मिलो, डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को पूछ, मगर इतना याद रखिए आजकल के क्रिकेटर्स जितने भी बढ़ रहे हैं दे आर ऑल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, इंडिया के जितने भी खेल रहे हैं
They are all from districts. Absolutely. All from small places. Why? Tell me why. Because they are hungry. Why see Telangana people are also hungry? The kids are hungry to play, to get opportunity to play first class cricket. And if I get a piece of land and make an academy, I would definitely help Telangana district people. इंशाल्लाह सर आपकी बात मतलब सच हो जाएगी और केसीआर साहब से मीनू हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हम विनती भी करें बिकॉज आज यहाँ पे आपको बुलाने का एक और ये रीज़न है कि हमारे गुरुवार रेड्डी साहब जो कि इतनी मेहनत वो कर रहे हैं सर एक्चुअली बिकॉज यू नो एवरी डे एवरी टू डेज इज इन मुंबई एंड फॉर द लास्ट टू ईयर्स उनका जो सिंगल हैंडेड एफर्ट आपकी अवध उनको यू नो सपोर्ट मिली है तो उनका भी ये कहना है कि यू नो ये केसीआर साहब को मालूम होना चाहिए कि अबीद अली साहब केसीआर साहब क्यों नहीं जानते हैं आपके बारे में तो बचपन से जानते हैं बचपन से जानते हैं क्योंकि आपके बारे में सुने हैं एंड इज अ स्पोर्ट्स लवर एंड जितना मतलब स्पोर्ट्स को एंकरेज कर रहे हैं सो गुरुवार रेड्डी साहब का ये भी कहना है कि यू नो थ्रू सोशल पोस्ट ये जो चैनल में आज देख रहे हैं एक्चुअली देखिए समथिंग शुड बी डन एक्चुअली बिकॉज यू नो आपका ओवर ड्यू हो गया सर एक्चुअली आपका जो ड्यू है एक्चुअली इट्स बीन लॉन्ग पेंडिंग है साहब बहुत पेंडिंग है मैं बड़े कोशिश कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ मुझे याद है अच्छी तरह याद है मैं गया था जब आया था 2014-15 में यहाँ ये इरादे से आया था कि मैं HCA को जाके कोचिंग करूँ मैं अरशद अयूब के पास गया उसकी एकेडमी में वो बैठा हुआ था जब ही उन्होंने इंग्लैंड से असिस्टेंट मैनेजर बने हुए थे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से वो आए ज़रा थोड़े से उसमें थे हवा में थे तो उनसे बोला देखो अरशद तुम्हारी क्रिकेट हैदराबाद की बुरी तरह नीचे पड़ी हुई है तुम चाहते हैं कि उसको इम्प्रूव करना तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपके क्रिकेट को ऊपर उभारूँगा मगर एक शर्त पे ज़रूर कि मेरे को कोई भी इधर से उधर से कुछ नहीं बोलना मेरा मैं अपने तरीके से काम करूँगा एनीवे तो वो पता नहीं पसंद करे नहीं करे क्या है बोले नहीं आबिद भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं हम उतने नहीं दे सकते बोला नहीं कि क्या नहीं दे सकते तो बोले नहीं अजीम को मैं 20,000 दे रहा हूँ आपको भी उतने दूंगा मैं बोला तुम मेरा कैरियर देखे बाबा मैं कहाँ कहाँ खे कोचिंग करा US को करा मालदीव को करा UAE को करा है आंध्रा को तीन साल करा पहला साल 2001 में वी बिकेम द साउथ जोन चैंपियन आई डिड दीस थिंग्स आई अचीव्ड ऑल दीस थिंग्स हाउ कम यू आर आस्किंग मी सच अ थिंग कभी फील करा के नहीं इन्हें ये डरावा है बच्चा कि मैं यहाँ आया तो मैं उसकी वो ले लूँगा उसकी क्या बोलना चाहिए अना को ले लूँगा उसको मैं ले लूँगा और उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देंगे मैं बोला देखो मेरे को उससे ताल्लुक ही नहीं है आई एम अ क्रिकेटर आई एम अ कोच माई जॉब इज टू जस्ट पास ऑन माई एक्सपीरियंस टू द यंगस्टर्स That's it. I have nothing to lose. I have nothing. I have to gain. I have to give. आप देखो आप जितने भी दुनिया में लिखे हैं वो क्या करे दिए लोगों को पास करे अपना एक्सपीरियंस एंड आई वॉन्ट टू पास माई एक्सपीरियंस उस वक्त मैं वापस बहुत डिजेक्टेड होके घर चला गया था एक 3 दिन के बाद मेरे पास घर में खटका लगा और एकदम से मैं गुरुवार अड्डी को आते हुए देखा मैं जानता भी नहीं था उसको उन्होंने थे और हमारे क्या नाम है लक्ष्मी नारायण साहब प्रेसिडेंट उस जमाने में निज़ामबाद के अच्छे आदमी बहुत नेक आदमी वो थे और एक MP थे मुझे याद नहीं है नाम उनका वो भी आए थे तो मुझे पूरे बात में बोला तुम चाहते क्या गुरुआ मेरे से साहब डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट हूँ मैं बोला व्हाट इज़ इट यू वांट फ्रॉम मी एक्चुअली गिव मी So there is opportunity that the talents is there. When he took the name of talents in district, I said, okay, if that is what you want, I will pass on my experience to these younger boys. I'm not going to ask you anything. Whatever you can give me at that moment, give me. Because I was terribly dejected from HCA and frustrated from these people. And एक ही बोला बात आबिद साहब आप ज़रा हमारे को मदद करिए मैं बोला ठीक है मैं करूँगा तो आई रैन अबाउट 5 or 6 months
कैंप, ये बच्चा भी आया था वहाँ। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये लड़कों को देख के मैं जब देखा, बच्चों को मैं शुरू में 3-4 मैचेस खिलाया ये लोगों को, मैं हैरत करने लगा, यार ये बच्चों को क्यों मौका नहीं मिलता। अब वो बच्चे बेचारे यहाँ हैदराबाद में आके खेलना चाह रहे, तो हैदराबाद के एसोसिएशन वाले जो इतने बड़े 259 मेंबर्स बन गए हैं, क्लबा बन गए हैं, हर बच्चे से पैसा मांग के खिला रहे हैं, ये बच्चे कहाँ से ला के देंगे। ये बच्चों को मैं बोला नहीं ठीक है, तुम मेरे को एक काम करो, ग्रुप्स जमा करो, बुलाओ, मैं थोड़े बच्चों को मैचेस खिलाऊंगा, भगाऊंगा, देखूंगा, इनकी फिजिकल फिटनेस देखूंगा, इनके बाद चीज़ों को फील्डिंग कैसी है देखूंगा, उसके बाद में मैं पिक करूंगा बच्चों को, आप ये बच्चों को कैंप में रखो। वो वैसे ही किए उन्होंने, और मैं 5 महीने या 4 महीने ये बच्चों को कोचिंग किया। अब आज के ज़माने में जो भी आप देख रहे हैं वहाँ वर्ल्ड कप में जो कर रहे हैं बच्चे, कर रहे हैं कोचेज, जो कर रहे हैं, मैं उस ज़माने में ये बच्चों के साथ करता था। करते थे आप रोलर के? वो तो फील्डिंग करता है, वो तो फील्डिंग फील्डिंग करता था, ऐसे बैट्स रख के भी थ्रो करके कैचेस करवाता था, वो अलग है। मैं स्क्वेयर कट हुक ये बच्चों को कराता था, कैसा करना कैसा नहीं करना, लिटरली आई यूज्ड टू ब्रेक। नहीं आंध्रा को क्या करता था मैं, ऐसा बकेट में बॉल रख लेता था, स्क्वेयर कट करो बस, मैं बॉल फेंकता था स्क्वेयर कट करो, बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप स्क्वेयर कट करो, आउटसाइड द ऑन स्क्वेयर पुल, ऐसी मुंह पे मार बॉल फेंकता था, हुक करो, मुंह पे फेंकता था हुक करो, वही ये बच्चों के साथ करा, फील्डिंग कराया। जो अब तुम देखो दो लोग भाग रहे हैं एक के पीछे एक, एक पास करता अब दूसरा फेंकता, मैं जब कराता। तो ये सब टैलेंट को ऊपर लेके आने के लिए, बट ये मतलब बाकी एसोसिएशंस If tomorrow KCR gets into it, there should be no problem in getting affiliation in for our Telangana Cricket Association. HCA is a corrupted association, with due respect. Yep, I played for them. I grew up with them. I played for the country because I played for Hyderabad. But some things which I saw in Hyderabad was terrible. This system, when we were playing for Hyderabad, there were about 17 to 18 A division teams. Usme ek school, do school the, do university, Usma University, Nizam College. Baaki ke 8 different clubs hote the, 8 ya 12, 10. तो 14 या 15 क्लब्स होते थे। अब आप बोलो ये 14-15 क्लब्स में कंपटीशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? नेचुरली हाँ, स्वाभाविक है। हाँ, मगर अब क्या एक सिस्टम करे ये लोग, क्लबा बना दिए वोटिंग के लिए। ये किसी ऐसे आदमी का था ये काम, जो मैं नाम भी लेना मुझे शर्म आती, वो शुरू करा दिए। उसके बाद में उनके रेड्डी सिस्टर्स जो भी आए थे, रंगा रेड्डी, शिवलाल, प्रसाद, ये लोग सब ऐसी करे, क्या करते थे ये क्लबों को 5-5 हज़ार, 5-5 लाख, 6-6 लाख दे रहे। अब वो बांट दे रहे तो आप 50 लाख, तो आप 50 करोड़ तो आपको बोर्ड से मिल रहे हैं। आप डेवलप करने के बजाय आप क्या कर रहे हैं, यू पॉकेटिंग द मनी इन योर पॉकेट, वॉट गुड इज दैट। When board is giving money to each association, they should have the accountability to see what they are doing with the money. Absolutely. Are they doing it? No. Telangana deserves, unless the state itself take interest and talk directly with the board, saying that these Telangana district boys should get opportunity to play international cricket. Absolutely. First class cricket. Not and only the city boys. They can have their own Ranji team. Yes. Like it. Yes. Why not? I tell you, tomorrow, if I pick the team up from Telangana district, make them play against Hyderabad, I'll take a bet on it, they'll beat the hell out of them. They have such. I have so much of confidence.
They are such talented boys. Ye bachcha is a very good fast bowler. Very good fast bowler, Guruva. Gaurav Sharma. Unfortunate hai ke bichara tadapta khelne kuch state ko. Kabhi nahi bodh dete usko. Bulate bhej dete. Mere ko yaad hai, 3-4 bachche aate the. Ek do Warangal se aate the. Ek Karimnagar se aata tha. Ek Nizamabad se aata tha shayad bachcha. Wo camp mein rehte the, thodi der dekhte the. Batting bhi nahi dete the, bhija dete the. Kitne logon khele sahab district se. Mere ko achhi tarah yaad hai, ek khela Nizamabad se. Muralidhar Reddy. But only for a... he never played for state though. Vishnuvardhan Reddy from Warangal, that's it, for a brief time, I think. Yeah. That's it. Later on, I think he came into politics. But no one played. They played at the university. Ko khelte the. Sir, abhi bhi, sir, dekhiye Hyderabad mein, theek hai, toh bolna hi padega ki, aaj bhi Hyderabad ki team mein aapko Andhra wale milte hain usme. Ye bhi chal raha hai. Bilkul hai. Ye bhi lobbying abhi bilkul hai. Ye kab khatam ho jayega, sir? Saab, ye log mile hue hain logon se wahan. दूसरे वालों से मैं मुझे इतना मालूम है कि ये केसीआर साहब गंगाधर से काफ़ी मिल दोस्ती है उनसे मिल के बात करके उनको चाहिए कि हमारे टीसीए मेंबर को मेंबरशिप दिलाएं तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन को मेंबरशिप दिलाएं और ये कर सकते हैं अब मुझे अगर ज़मीन दिला दिए तो मेरा वायदा है कि मुझे मैं ऐसा सिस्टम दिया हूँ बच्चों को वो तो हो जाएगा सर ये मेरे ख्याल से सोशल पोस्ट का जो इंटरव्यू अभी देखेंगे आपका देन केसीआर सर मेरे ख्याल से आपको जरूर बिकॉज यू नो ही हैज बीन हेल्पिंग सो मेनी एंड कुछ तो ऐसे ही लोगों को मतलब देने सर पैसे आप तो यू आर वेल डिजर्विंग है आप एक्चुअली प्लेड फॉर द कंट्री एंड यू प्लेड यू नो दिग्गजों के साथ आप एक खुद ही एक यू नो दिग्गज खिलाड़ी हैं सर आप इंडिया की कैप्टन को दिए वुमेन्स वुमेन्स इंडिया के कैप्टन को रिसेंटली कुछ दिए एब्सोल्युटली एंड आप किस चीज आई डिजर्व इट सर यू सर्टेनली डिजर्व इट सर आई थिंक सो सर अभी गुरुवार रेड्डी के बारे में भी और कुछ कंटिन्यू करेंगे सर उनको और क्या करना चाहिए बिकॉज यू नो इज आई थिंक मेकिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स आई थिंक विल ही सी द लाइट आई पर्सनली आई गेव हिम एन एडवाइस लॉन्ग टाइम अगो एंड आई विल स्टिल गिव हिम दैट देयर शुड बी सम पीपल हु कैन स्पॉन्सर हिज तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन The money is so important to come in for development. Nothing can do it. For that, I think your social media or somebody who's going to hear this, they must come forward to help Telangana Cricket Association. Let them be so that their investment will be greater later on. When the first class matches will be played, when the test matches will be played, when the zonal matches will be played, a lot of collection will come and they will be benefited too. I think there should be a lot of sponsorship coming in. And these people, our government can easily help that out. So, Abhi, again coming back to Sir, your days. You know, we stopped after that West Indies, but England victory was even sweeter, I think, at Oval, I think. Yeah. Arre, sir, you still relish, but it should have been done by Vishy. You yourself told on many occasions, but you went and did it fantastically. In style, we finished it. सबसे खुशी ये थी कि गोरों को उनकी जमान ज़मीन पे जूते मारना मुझे बहुत पसंद आया. That too, yeah. वो बहुत अच्छा था. अच्छा. अब आजकल के लड़के सर ये बराबर मारेंगे. अब मेरे को यकीन है ये अब के अपने वर्ल्ड कप जीतेंगे ये बच्चे इट द वे दे आर प्लेइंग एंड इफ दे कंटिन्यू प्लेइंग आई थिंक दे शुड इंग्लैंड इज आल्सो प्लेइंग गुड क्रिकेट आई थिंक आई नो दैट बट दे स्टिल दीस पीपल आर मच बेटर देन दोस पीपल बट अनफॉर्चुनेटली दे शुड गो इनटू द सेमीफाइनल मीटिंग देम इन फाइनल्स सर आपके साथ साथ यू नो आप और गवास्कर आपने तो गवास्कर जी के साथ ओपनिंग भी किया एंड देन अनदर लिटिल मास्टर विशी आई थिंक यू नो उनका जो कंट्रीब्यूशन था आई थिंक व्हाट वुड यू आई मीन क्या कहना चाहिए कितने लोग बात करते साहब उसके बारे में गिडे के बारे में विशी के बारे में सिर्फ गवास्कर एब्सोल्युटली उसको कोई पूछता नहीं बराबर मगर उन्हें खुश है अपने उसमें अभी मिलके आया मैं बेंगलोर में मैं प्रयास चंद्रा
Vishwanath, Kirmani. We will all sat down and together had lunch in a golf club. अब ये लोग ज़्यादा गोल्फ खेलने में ख्वाहिश है ये लोगों की. ये बड़े अच्छे लड़के हैं साहब. साउथ के लड़कों का तो बोलो ही नको आप. इनके मैनर्स के बारे में क्या, इनके मैनर्स, इनके टैलेंट, इनके इनके तौर तरीके लोगों से बात करने के. कभी घुमंड नहीं देखा मैं ये लोगों में, कभी अकड़ नहीं देखा. मगर अगर आप इधर गए जो नाम वेस्ट को गए तो मैं देखता हूँ किसको, सिवाय अकड़ के कुछ नहीं है. सर हम बात कर रहे थे 71 में जो वेस्ट इंडीज ओवल में जो 70 में जीता था, वेस्ट इंडीज के बाद हुआ था वो टेस्ट मैच. एंड अजित वाडेकर वॉज द कैप्टन एंड यू केम एंड स्कोर दैट बाउंड्री. एंड विश्वनाथ से क्या कहा था विश्वनाथ आते आते? पागल है तू, क्यों करा ऐसा? यू शुड हैव डन इट बेटा, यू यंग फेलो, यू शुड हैव डन इट. व्हाई आर यू गिविंग मी चांस टू डू इट? तो बोला क्या करूं आबिद भाई, और स्वीप करा, बैट को किस करते हुए गया, एलन नॉट कैच पकड़ लिया. बट विश्वनाथ के बारे में आप कुछ कह भी रहे थे, मतलब सर यू टॉकिंग अबाउट हिज टैलेंट. उसके बाद हमने हैदराबाद में देखा तो अजहरुद्दीन और लक्ष्मण में भी वो कलाइयां, मतलब या सी सुब्रमण्यम हैड अ वेरी गुड आई फॉर पिकिंग द टैलेंट. सुपर्ब आई. ये बच्चा कहीं खेल रहा था, इसको देखा खेलते हुए, सीधा स्ट्रेट को खिलाया. चंद्रशेखर बॉलिंग कर रहा था, सीधा स्ट्रेट को खिलाया. प्रसन्ना बॉलिंग कर रहा था, सीधा स्ट्रेट में खिलाया. ऐसा टैलेंटेड आदमी था वो सुब्रमण्यम. उसको कोई पूछे तो कन्ना कर्नाटका पूछी बराबर, ना इंडिया पूछी बराबर. ही हैड टू स्टे बैक इन इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ही वॉज डिजेक्टेड. उसको खिलाते नहीं थे, हालांकि ब्रिलियंट बैट्समैन था वो, बेहतरीन स्लिप फील्डर, बट दे नेवर गेव हिम चांस. मेरे को बोला था टूर पे, आबिद सब करो तुम, इन लोगों से बच के रहो. अब किसका नाम ले समझ जाओ, इन लोगों से बच के रहो बिकॉज दीज पीपल विल ईट यू अप. हुआ भी ऐसी 79-80 में सिडनी में कर रहा हूँ, फ्रीली बैटिंग कर रहा हूँ, 100 कर सकता था मैं आसानी से. मगर क्या है, टी टाइम हुआ, मैं जाके टी टाइम के लिए बैठा, मेरे पास आ गए दिलीप सरदेसाई, आ गया, आके बोला पकड़ के खेल, पकड़ के खेल, पकड़ के खेल. अब मैं पकड़ के खेलता ही नहीं था, मैं निकल निकल के मारता था स्वाभाविक. हाँ, आई यूज्ड टू प्ले वेरी फ्रीली, आई हैड नो दिस थिंग, ऐसे चलना चलो, ऐसा नहीं किसी से खेलना, डरना डरने की क्या बात है, बैट हाथ में है, बैट से खेलो, खत्म. मैं वही करता था. तो मैं गया, ऐसा ब्लॉक करा पहला बॉल, वो ऑफ स्पिनर जिसको आउट हुआ मैं, ये ब्लॉक करा, एकदम बुला लिया ना सबको, चार लोग आ गए, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, दो स्लिप्स. अरे मैं बोला ये क्या करा इन्हें, दो बॉल और खेला, तीसरा बॉल कॉट बिहाइंड, कॉट स्लिप, बॉबी सिम्पसन ब्रिलियंट फील्डर. कॉट स्लिप. I asked him when I was managing UAE, we went to Ireland to play the ACC trophy. ICC trophy. We were in Ireland. So we were playing against Holland. So he was the manager, coach for Holland. So I went and sat down, we talked about the whole tour and all that. So I said, ek cheez pucha, why did you, the moment I blocked him, why did you call all these fellows? You know what he said? I read what happened in your dressing room. When you started blocking, I knew what was happening in, they wanted you to stay. But I said, no, I should attack you. I attacked you and you got out. Sir, but before that, sir, actually, you know, dropping you from the Indian team after a brilliant series in New Zealand, actually, you scored some runs and you took wickets, 4 wickets in the first test match. What happened actually? Why were you dropped actually before that West Indies series? What was the reason? I have no idea. I was shocked myself. We were in Delhi when I was dropped. The first match I scored, I took 3 wickets and got 49. Then the second match, somehow I failed that match. Aksar ye hua, main ek match mein fail hua, India mein, I was dropped. But not on the tour. They had to make me play on the tour. There was something which I always
surprise. Why not here? Why not there? Why there? They had to play with me. They knew this man will do something. Because almost the same team toured. Exactly. McKenzie was there, I think. That was J.R. Vishwanath's first series also. Yes. And almost everybody was there, I think. Chappell was there. Oh, pure the. Yeah. Everybody. Laurie. Simpson nahi tha, Laurie tha. Baki sab the. Establish any particular reason for that? Because, you know, I think maybe you played, I think we heard, you know, a match in Karachi that I think selectors kept in mind. Because that was, I think, you know, you were invited to play that. I was invited to play that. Yeah. World 11 people. Mm. I got a call later on from London. Donald Carr called me and said, you're selected, you better be there. So and so date. How was it playing in that particular, because, you know, galaxy of cricket? Oh, there were Gary Sobers, Rohan Khanna. Rohan Khanna was my roommate. And I was shocked when I went in there. So you know what he said? Favorite batsman. The moment I went in, oh ho, here comes the Prime Minister of Pakistan. I said, what do you mean by that? And I said, damn it, they have been phone calling you. Where is Abid Ali? Where is Abid Ali? Where is Abid Ali? Anyway, so un logon ke saath khelna bahut badi baat thi. But बड़े बड़े प्लेयर थे. But big disappointment, I think you must have really felt very bad, sad because of very being sad, dropped. Yeah. Very sad. And you know why? After I was dropped, when I came back, scoring 50 odd runs and took some. I was a good fielder. I was fielding well. Took a couple of catches. Anyway, when I came back here, I was selected as a south in the team south zone. I was surprised. I was totally surprised. I said, am I? Dilip Sarzai came and said, that you are there in the team, don't go, stay here. In 2 days, the team is coming here. No, I said, I'll go back and see my daughter and come back. So I came back and I still was not there in the 11. Anyway, I think there was some senior cricketers who were captains of individual state and for India. Patawdi, Jai Simha and Subramaniam, they got together and said, no, this boy should play. Why is that he should be dropped after playing from South Zone? Why should he be dropped when he's playing for country? Then I was somehow picked up for that match. I took wickets, took some runs. Then finals we played against Bengal, East Zone. Myself and Jai Simha added 100 runs. He got 100, I got 100. I got selected for the West Indies tour. Sir, abhi bas aakhri do teen sawal, because kahin you know apne sawalon ka answer diya, bahut hi zabardast answers hai. People I'm sure will enjoy on social TV. Ye bataiye sir, jab aap 74 mein, I think you know you made history. Bahut kam logon ko malum hai, jab one day cricket jab shuru hua tha, you bowled the first delivery. Was it 75, with England versus Dennis Emerson. Yeah, Dennis Emerson. So how was that, because India's first one day match, how was that feeling, I think? Obviously, playing for the World Cup first time, you should feel very proud of it, playing for your country, obviously. No, even before that also, you know, India and England played one day match, I remember, in 74, I think. That was the first one day match. Yes. Yeah, and Lloyd and who was that? Dennis Amis opened or? Dennis Amis was there and Geoffrey Boycott was there. Yeah. So, your first and last World Cup, but you scored, I think, 80 against New Zealand in the last match. That was last match. So, how can you please share? Because, you know, now World Cup is happening in England now. And that was the first World Cup in 75. In fact, I batted only in two matches. One was in England and the other was New Zealand. The second game, I didn't bat. I think we won for no loss against East Africa. East Africa. So, pehla jo World Cup jab hua tha, wo feeling bataiye sir, because you know abhi World Cup cricket bhi ho raha hai actually. Pehle to mujhe bahut surprise hua ke main khel raha hu, drop, main samjha mujhe yahan pe bhi drop karenge. Magar main bola na, touron pe mujhe hamesha ye log ye kar dete, leke jaate the, drop nahi karte the. मालूम है कि ये आदमी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं करेगा. मैं बोला था शुरू में, आपसे बोला था कि यूटिलिटी क्रिकेटर होने से मेरे को काफी बहुत फायदा हुआ हर चीज में. सर, आपने खुद ही बोला
कि सभी को मालूम है कपिल देव जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा एक्चुअली आने वाले समय में। कितने भी हम हार्दिक पांड्या के बारे में बात करें, कपिल देव सिर्फ एक होता है, लेकिन उनके अंदर मतलब जब वो भी मेरे ख्याल से लोगों का कहना था कि कुछ और पहले भी मतलब आ सकते थे टीम में एक्चुअली कपिल देव। सो आपने भी सोचा होगा वो 77 में ही शुड हैव गॉन ऑन दैट टूर, ऑस्ट्रेलिया का टूर में, मगर इसको नहीं पिक करे। ताज्जुब हुआ मैं, आई वॉज देयर इन द कैंप अलॉन्ग विद ऑल दीज बॉयज एंड कपिल वॉज शोइंग हिज टैलेंट सो मच दैट आई फेल्ट दैट दिस बॉय शुड गो टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट एनी हेजिटेशन, ही शुड बी पिक्ड अप। व्हेन द टीम वॉज अनाउंस हिज नेम वॉज नॉट देयर, माई नेम वॉज नॉट देयर, आई वेंट टू बिशन एंड आस्क्ड हिम, आई सेड I know I'm not there, but why Kapil was not there on the tour? He gave a different answer, which it is very difficult to give the names and all that. Yeah. And then he said Madan was chosen by the peers, selectors, not Kapil. I said that was a wrong thing happened. So Kapil, I think, would have made his definitely, review. Sir. He was bloody good. That's awesome, baby. सवाल ही नहीं है साहब, किसी को खेलने नहीं देता था नेट्स में, इतनी ब्रिलियंट आउट स्विंग करता था, इन स्विंग करता था, और क्या बाउंसर डालता था, बहुत अच्छा फिट फेलो, ब्रिलियंट फील्डिंग, ब्रिलियंट बॉलिंग, और बैटिंग में वाह, खुल के खेलता था लड़का वो। पर ये सच है सर, आप लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया, जैसे सुनील गवस्कर, आबिद अली साहब, वाडेकर, पटोडी, विश्वनाथ, प्रसन्ना बेडी, वेंकट राघवन, एंड देन ऑफकोर्स कपिल कैरा शुरू हुआ, और आज क्रिकेट अगर जिंदा है तो आई थिंक जो 70 का जो गोल्डन एरा हमेशा कहा जाता है, तो आई थिंक यू ऑल्सो वुड सब्सक्राइब टू माई व्यू। आप बिल्कुल भाई, ये बताइए कोई ऐसी टीम इंडिया की जो है थ्री सीरीज कंसेक्यूटिवली जीते है, 71 वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड में 68, 71 इंग्लैंड एंड 72 73 इन इंडिया कंसेक्यूटिव एंड न्यूजीलैंड। आई एम इन्वॉल्व इन ऑल दीज फोर, एब्सोल्युटली या ऑल दीज फोर, सो आई थिंक आई डेफिनेटली डिजर्व समथिंग फ्रॉम एब्सोल्युटली, एंड यू नो आई रिमेंबर टोनी ग्रेग saying in 72-73, you come to England, we'll beat you 4-0, 3-0. And they did that. The summer same of, team. Summer of 42, I think you were involved in that also. Same team. Same team. Won't believe it. Yeah. But there was a reason why, which I don't want to talk about it. But just share about that 42. How did it happen, sir? Sunil Gavaskar, Abid Ali, Vishwanath. What a lineup it was actually. आपको याद होगा, sir. 71 West Indies से हम जीत के जब आए, सुनील गावस्कर को विजय मर्चेंट पिक करे थे, उन्हों चेयरमैन थे, उन्हों एक टाइम्स ऑफ इंडिया फंड निकाले थे उसके लिए। तो वो बॉम्बे के बच्चे भी थोड़ा परेशान हुए, उसको कहीं को हमको कहीं को नहीं। तो बॉम्बे के बच्चे भी कुछ मिलके, जितने भी बॉम्बे के थे, वो लोगों को पूरे जितने भी बड़े बड़े कंपनीज थे वो लोग स्पॉन्सर करे, हर स्पॉन्सर में वो लोग डिमांड करे पैसे, ओनली बॉम्बे बॉयज, नन ऑफ द अदर बॉयज अदर स्टेट। फॉर एग्जांपल हम दूसरे गोपाल बोस वहाँ से, दिल्ली से अलग दूसरा, बहरहाल ये जो थे केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, साउथ के किसी को भी नहीं बुलाया, ताज्जुब है, पैसे जमा करें। अब आप ये फीलिंग जब हम लोगों तक पहुंची तो आप बताइए हमारे दिल में क्या गुजरी होंगी सबके, भाई सब मिलके जीते ना। आप ये बताइए गावस्कर 750 जो रन करे, क्या उन्होंने अपने से अकेले करे, जब तक कोई सामने खड़ा नहीं था, नेचुरली ना, क्या भूल जाते आप? चार रन बाकी है, इन्हें मार दिया चार, सब जने बोलते इन्हें आउट होके आ जाएगा, मार दिया चार,
लास्ट बैट्समैन जो उम्मीद ही नहीं करे थे आप. हाउ कैन यू फॉरगेट योर टीममेट्स? द ग्रुप इज अलाइव बिकॉज ऑफ यू नो दैट गोल्डन एरा जो दिया है. यू थिंक राइट नाउ मिस्टर रोहित शर्मा यू नो हमारे कप्तान कोहली यू थिंक ही दे विल मेक रन्स विदाउट एनीबॉडी देयर ऑन द अदर एंड? अच्छा, रोहित मेड सेंचुरी बिकॉज यू नो राहुल सपोर्टेड हिम. बोलो ना. एब्सोल्युटली. फिर कैसे भूलते हुए आप? हाउ डू यू फॉरगेट दैट? These kind of feelings came in 1974 with us. And then obviously the hearts were broken for most of the cricketers. And I don't think our performance was superb at that time. But your last test match, you saw the king batting, scoring 192 runs, Vivian Richards. Can you please tell about that particular match in Delhi? He was something different. He was totally something different. One of the best West Indian batsmen I could ever see. They talk about Lloyd, Gary Sobers, Kanhai and Caramel, Lara. Lara, but this fellow was something different. How different he was? He would play right from the word go. Right from the word go. He won't top. You see, Gary Sobers was also like that. Gary will play good length ball, cover drive, forward and then off the back foot punch, four runs. He was like that. Rohan Kanhai was something different, you know. Clive Lloyd was murderous. Lara was Lara. Absolutely. Sir, Ravi, sir, 90s mein aap America gaye, uske baad aaj agar America mein cricket jaani jaati hai, khel agar cricket jana jata hai. Mushkil hai. Mushkil. So, phir, I think you are the pioneer of introducing, I mean, you know, cricket was there already. But जो पानीर अगर वो जो आप ही को मतलब कहा जाता है वो अभी कैसा चल रहा है, कैसा मतलब वो एक्सपीरियंस भी बताइए. वहाँ बहुत मुश्किल है. You know, many times these Indian teams went there in Canada and played some matches and all that. You think the cricket will grow there? No chance. The reason is basketball is played, football is played all seasons. पूरा सीजन इन ईयर का सीजन पूरा ये लोग ले लेते. तुम समझते क्रिकेट को बढ़ने देंगे? नो चांस. और कोई अच्छा ऑफिस में आप काम कर रहे हैं अमेरिका में, आपके लिए एक एक महीने की छुट्टी दे देंगे? मजाक है. लॉस ऑफ पे पे जाओ, छोड़ के जाओ नौकरी, ऐसा देते पिंक स्लिप. नो चांस. मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग बढ़ाने की. आपको तो थोड़ा सा मतलब यू नो एक वो खुशी महसूस होती होगी कि बिकॉज़ आपने इंट्रोड्यूस किया है वहाँ पे. जनरली आप कोचिंग दिए. अब मैं नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में बहुत कोच करा. मैं नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में एक एक क्लब को. आई यूज्ड टू गो 200 माइल्स टू फ्रेस्नो एंड कोच फ्रेस्नो यूनिवर्सिटी बॉयज. 200 माइल्स एंड आई यूज्ड टू गो एंड कम बैक ऑन सैटरडे संडे. सब पूरे वीकेंड्स डेज हम पूरे बाहर रहे. हमारे ना बीवी के साथ रहे बराबर, ना बच्चों के साथ रहे बराबर. सर, बच्चों की बात करें तो जो ट्रेजेडी आपको हुआ सर, आई थिंक वो कैसे मतलब से आप क्या करते हैं? नहीं, बहुत अच्छा. दैट बॉय वॉज अ वंडरफुल कोच, बेसबॉल एंड बास्केटबॉल. कैसा हुआ था अटैक? मतलब इतने हार्ट अटैक हुआ उसको. ही वाज प्लेइंग मैच, ही वाज कैप्टन ऑफ हिज टीम, दे वर विनिंग द गेम. लास्ट 3 या 4 ओवर्स बाकी थे, उसको कुछ 15-10 रन करने का था. एंड ही वॉज बैटिंग 50 ऑड एंड ही वेंट इन द एंड ये बच्चा बैट करा, रन लेने गया. रन लेने से पहले अंपायर को बोला गिव मी रन, आई एम नॉट एबल टू रन, आई एम फीलिंग लिटिल बिट दिस थिंग. नहीं दिया अंपायर, इन्हें रन लिया, वहाँ गया, गिरा, उठा ही नहीं. ऑन द फील्ड? ऑन द फील्ड. वो शौक से आप कैसे मतलब? उस दिन जाने से पहले मेरा बच्चा मेरे को बोला, डैडी आप आके मेरा मैच देखने आओ. तो मैं बोला बेटे मम्मी अकेले रहते, मैं आता हूँ, थोड़ा देर से आऊँगा. मैं देर से आने के लिए निकल रहा. दैट डे आई हैड कॉल ऑस्ट्रेलिया. डैरन होल्डर वॉज वन ऑफ द कोच हु यूज टू कोच द अदर कोचेस. आई कॉल्ड हिम इन क्वींसलैंड and I said I am going to send my son for
coaching set, this thing. So he said, do send it, but I'll call you back again. That they didn't come. No. Call kara mere ko. Okay, send him. उसी वक्त थोड़ी देर के बाद मुझे फोन आया कि योर सन टुक अ रन फेल डाउन इज नॉट गेटिंग अप. मैं जब भी बोला इन्ना निल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊ. सबको जाना है, उसको भी जाना है, मेरे को भी जाना है, मगर मुझे खबर में उतारने वाला उन्हें चले गया. ही वॉज 33 years old. ही हैड अ टू ईयर्स ओल्ड सन who is right now with in Bangalore with Kirmani's daughter. To Kirmani ke liye bhi ek bahut bada hai na. Jo bachchi boli main daddy ke paas chale aaya to main bola jao bete tum young hai, Allah kare tumhari shaadi ho jaye. Shaadi ho gayi uski, shukr ho. Hum ummeed karte hain sir aapko bhagwan upar wala Allah aur strength de ye kare. Sir ye bataiye ki aro any regrets having not been given a bigger opportunity by BCCI? Yes, I do. I should have become the coach for somewhere. When did you my think? HCA didn't give me, you think, but the BCCI will give me? HCA didn't give me. You know, when I became the certified coach in England in 76, 77, in 79, I came back here. I was expecting Man Singh should give me the coaching assignment. There was about to run the summer camp within a week. And right in front of me, he called Amladi from Bombay and he gave him. I felt so bad. I said, Hyderabad, I'm the first test cricketer who became a certified coach and you don't give me the opportunity? Mera dil tut gaya. Then I came and told my wife, let's go. We have no chance. No chance for my son also to grow. Otherwise, this boy was a very good cricketer as a youngster. No chance. Let's go, beta. But sir, आप हैदराबाद का जो development हुआ cricket का, अगर आपके बाद of course you know आपने कई cricketers के बारे में कहा, जैसे वहाँ से लेके गुलाम अहमद and then अबिद अली साहब, सैयद अबिद अली साहब and Muhammad Azharuddin, Shivlal Yadav, VVS Lakshman, Venkatipati Raju, even I think Oja Tak, you must be very happy Hyderabad has produced some wonderful cricketers. Bilkul. Yeah. VVS Lakshman ke baare mein bolta hoon. Main jab aaya tha, I was going to Maldives for coaching Maldives. On my way I came, I went to Gymkhana, I went and met Jayasimha. He was coaching Hyderabad for Ranji Trophy and all that. He was not feeling well. So he called me and he said, Abid, I want to be away from coaching for 15 days. I'm not. Jab unko kuch cancer ka kuch malum ho gaya tha unko. Toh main 15 din ke liye, I want you to coach the boys. So I saw some defects in Lakshman. Lakshman used to fall on the offside. His balance used to fall on the offside. And any ball which is coming on middle and leg stump, he used to go up in the air and get out. I was watching him in the nets. So I called him. Everyone went away. I said, Lakshman, I want to talk to you. I said, Lakshman, look, I'm watching you. There is some mistake you're doing. What mistake, sir? I said, you're falling with your head before the bowler is bowling. What happens when you fall with the head? Your balance goes bad. Anything on the left side, you can't see. See, you're falling. Anything coming here, you can't see. So you're forced to play this way and the ball will go up in the air and you get out. Yeah, leg stump exposure ho jata hai. Oh. So main bola, kya karna saab? Main bola, very simple, Lakshman. Keep your head straight, still. See the ball with your both eyes. Keep it still. Let the ball come to you, don't go to the ball. He started scoring hundreds. Brilliant hundreds. I'm not saying it's because of me. Yeah. I just gave a small tip. Yeah. And that boy took it seriously and did it. Wonderful man, sir. Oh. Excellent human being. Oh. Yeah. I went to him also to give me the chance to do the coaching in his academy. He didn't. Nahi diya mere ko chance.
मैं थक गया, वापस आया तो गुरुआ आए, उन्होंने आए, उनसे बात किया। सर, आप ही हैं सर। अभी सर जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स को आपने देखा, इतने कैप्टन्स में पटौडी से वाडेकर से गवास्कर से लेकर उसके बाद अजहरुद्दीन, धोनी, गंगुली, इन सब के बारे में भी, बिकॉज यू नो आपसे जो निकले, आप जो भी बोलेंगे देखेंगे सुनेंगे लोग, विराट कोहली तक आप थोड़ा थोड़ा बताते जाइएगा। एक्चुअली ठीक है, आप अब ये जितने भी ये क्रिकेटर्स हैं दे आर आउट ऑफ द ब्लू, वो उसका रीजन भी है। एक तो आपको एनकरेजमेंट मिल रहा है, पैसा खूब मिल रहा है, मनी विल मेक यू डू लॉट ऑफ गुड थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर हंग्री टू मेक रन्स सो दैट यू गेट दिस, सिंपल बात, सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही। दूसरी, इनको हर किस्म की फैसिलिटी मिल रही, हर किस्म की, उसके बाद अगर ये लोग नहीं करे then they have to blame themselves, है ना, तो फिर बेकार है। एंड आई रेस्पेक्ट दैट। ये सिस्टम जो लिए हैं ये लोग, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, इंग्लैंड से लिए हैं, साउथ अफ्रीका से लिए हैं, दिस सिस्टम विच दैट बोर्ड ऑफ कंट्रोल टुक इट फ्रॉम देयर इज फ्रॉम दीज पीपल, एंड आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। बट बोर्ड मस्ट लुक इन टू वन थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, सी इंडिया कैन प्रोड्यूस 4-5 सेम काइंड ऑफ क्रिकेटर्स टू प्ले फॉर द कंट्रीज, बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट डेवलप दिस। राहुल द्रविड is doing a wonderful job with under 19. He has done. And I pray that he gets an opportunity to become a coach for the country. Abhi sahab, ye jo zamana hai 2020 ka chal raha hai actually. Aur bade bade cricketers 2020 ko hate karte hain. Jitne bhi matlab jo golden era ke cricketers hai, unme se main ek example lena chahta hu kyunki Michael Holding जैसे खिलाड़ी तो हमेशा ई ऑलवेज हेट्स एक्चुअली देंगे, जो सिस्टम अभी चल रहा है एक्चुअली 2020 का, ये क्रिकेट को कितना, मतलब आप क्या समझते हैं, मतलब आप मुनासिब एग्री विद माइकल होल्डिंग, बोलिए, लॉट ऑफ थिंग्स आई फुली एग्री विद इट, बट देयर इज वन थिंग व्हिच इज इंप्रूविंग इन देयर फील्डिंग थ्रोस, दैट्स डेफिनेटली इंप्रूविंग, बट मनी मेक्स द मैन पीपल डांस। Absolutely. अब आप दो लोगों का एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स है, रॉ, क्या नाम है वो उसका, कौन सा नाम है वो, अभी जो बॉलिंग, जी मोटा सा, अभी जो थॉमस, बात करे कि थॉमस, नहीं थॉमस, थॉमस दूसरा जो टोपी, रसल, रसल, एंड्रू रसल, हाँ एंड्रू रसल, उन्हें और गेल यहाँ क्या करे स्कोर है और वहाँ क्या कर रहे हैं स्कोर। सही है, ट्रांसफॉर्मेशन, एब्सोल्युटली है, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको सोचना पड़ता। T20 अलग है, 50 अलग है, वन डे अलग है, टेस्ट मैच अलग है, टेस्ट मैच अलग है। ऐसा क्रिकेटर होना जो हर फॉर्म में खेलने के काबिल है, मगर एक ही नहीं, यहाँ तो पैसा बहुत है, वहाँ नहीं है, टेस्ट में भी नहीं है, जितना IPL में है, कॉपरेशन बढ़ने के लिए अपने ये लोग ऐसे ऐसे कामा करते, पैसा लगाते। अब तो आप बोले वैसा कि बैटिंग भी चल रही है, हमारे कॉर्पोरेट का दबाव है जमाने से, बिल्कुल है, कैसा नहीं रहेगा, पैसा कहीं को नहीं दबाएंगा, बराबर दबाएंगा, पैसा हर जगह दबाता, पावर, पैसा, मनी, और कब तक रहेगा मेरे को बताओ आप, हाउ लॉन्ग कैन यू हैव योर मनी, व्हेन यू गो डाउन देयर इज नथिंग देयर विद यू, व्हाट एवर यू डिड यू आर गोइंग टू गेट, वेरी सिंपल, लाइफ बहुत सिंपल है, मगर डिफिकल्ट हम बनाते, हम कभी खुश नहीं रहते, होना, देना नहीं, यही तो है, हमारे पास क्रिकेट कोचिंग की टैलेंट है, हम देना चाहते, आप लेना नहीं चाहते, हमारे पास अभी भी है, हम देना चाहते, मैं अभी भी देखता हूँ ये मैचेस हो रहे हैं, सो ये लोग मिस्टेक कर रहे हैं, सो
मेरी वाइफ से डिस्कस करते रहता हूँ, देखो इन्हें कैसा खेला, कैसा खेलना चाहिए था इसको. सो इन अ वे इट इज स्पॉइलिंग द टेक्निक. जो डेफिनेटली मारम थोड़ी है. अब बॉलिंग देखो आप, दे बिलीव इन बॉलिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप मोर देन बॉलिंग एट द विकेट. एम आई राइट और नॉट? एब्सोल्युटली राइट. लेग साइड पे डालते, ऑफ साइड के बाहर डालते, क्या वनडे उसमें डाल सकते आप ऐसा? कैप्टन बॉलिंग ही नहीं देता, अरे मियां विकेट निकालने का है, क्या कर रहे हैं? फिर ये प्रेशर अगर आने वाले समय में और बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा. पैसा 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 कब तक? मनी हैज नो वैल्यू माय फ्रेंड. गेम देखो साहब, क्रिकेट ये बहुत गौर से सुनिए आप लोग. क्रिकेट इज बिगर देन एवरीबॉडी, इट्स देयर ऑन टॉप. Then comes the players who play the game. Then comes the administration who administer the game. But if the administrators start thinking that we are bigger than the game and the players start thinking that we are bigger than the game, they're absolutely wrong. Never forget the game. Because of the game, you're playing the game, you're making money. Because of the game, you're scoring runs. Never forget it. Be modest. If you're not modest as any athlete, then you're not an athlete. You're not a sportsman. You're not a cricketer. You're not a footballer. You have to modesty. Humbleness. Humility. Talking to people. Yeah. Humility. If you don't have those things in you, and yeah. You can add Sachin Tendulkar humility. I think the way he became top, I think you loved his humility, Sachin. I love the humility of other people. I have seen some arrogance there also. Yeah. I have seen. There are some lot of arrogant cricketers. Lot of arrogant cricketers. Arrogance, it doesn't work. But say something about Sachin also, because the way, you know. He was a brilliant bat. That's it. उन्हें बैटिंग कर रहा बोले तो एक अजीब किस्म की खुशी होती थी. द वे ही यूज टू टाइम द बॉल, द वे ही यूज टू हिट द बॉल, ही इज सच अ शॉर्ट पर्सन, ही वुड हुक एनीथिंग, ही वुड प्ले द बॉल एनीवेयर. आप विव रिचर्ड की बात करते हैं ना, ये बच्चा भी वैसे कभी कभी मारता था आउटसाइड द ऑफ स्टंप का बोला, इधर मारता था कभी. ही वॉज ब्रिलियंट एज ए बैट्समैन. दीज पीपल वर ब्रिलियंट. फाइनली सर, अभी वर्ल्ड कप अभी हो रहा है, इंडिया इज़ परफॉर्मिंग वेल एक्चुअली, एंड देर इज अ चांस दैट यू नो 1983 रिपीट कर भी सकते हैं. कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. द वे दे आर प्लेइंग, मेरे नज़दीक इफ दे फील वेल एवरी मैच विच दे आर डूइंग इट नाउ, देन दे विल गो थ्रू. हैप्पी विद द प्रेजेंट बॉलिंग अटैक ऑफ इंडिया? यस यस इंडीड. यू आर प्राउड बिकॉज यू नो? यस बिकॉज यस. The reason is they're bowling to the line and length, bowling at the wicket, bowling at the ribs of the batsman. But वो last death over में जो गलीज bowling करते वो मुझे पसंद नहीं आता. Hey, you should fight to make get the wicket out, get him out. Is that the way you be negative? Bowling the right areas. Right areas. Well, if you're good enough, let him hit the ball and get out. Am I right or not? Absolutely. Why are you bowling outside the off stump, leg stump? Why? But you want to have your bowling average good? Nah, I don't believe in that. और मेरी उम्मीद है कि KCR साहब के मेरे हक को पूरा करें. जरूर सर, इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग योर प्रेशियस टाइम. माई प्लेजर सर, माई प्लेजर. उम्मीद करता हूँ कि सर बहुत जल्दी जो है आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाएंगी. थैंक यू सोशल पोस्ट, गॉड ब्लेस यू.